हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मंच के मेहमान और मैं कीर्ति, और हाजिर हूँ एक ऐसे मेहमान के साथ जिनको अभी तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको किसी पहचान की ज़रूरत है या वो किसी पहचान की मोहताज है। उनको एक्टिंग भी आती है, उनको डांसिंग भी आती है, और उनकी ज़बरदस्त मिमिक्री के तो सब दीवाने हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हें रिंग मास्टर कहा जाता है। कौन है ये, कहाँ से है? तो कहाँ से है ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है भैया कानपुर से। कहाँ से? अपने कानपुर से। जो चलिए आपको मिलवाती हूँ मैं नयानी दीक्षित जी से। नयानी दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? बिल्कुल एकदम कानपुरिया स्टाइल में, क्या हालचाल? एकदम अच्छी हूँ। बंबई में बहुत बारिश हो रही है तो बाहर तो कहीं आना जाना कम ही हो पा रहा है। तो अभी आप बॉम्बे में है? हाँ, मैं बॉम्बे में हूँ, बस शूटिंग से घर, घर से शूटिंग, यही हो रहा है। लेकिन बॉम्बे में बारिश बहुत हो रही है। अच्छा, मतलब ये लगा रहता होगा कि पहले शूटिंग पे जाना है फिर घर जाना है। और मॉनसून कैसा लगता है? अच्छा, बारिश की बात करी दी है तो नयानी जी को मॉनसून कैसा लगता है? बारिश पसंद आ रही है बॉम्बे की? हाँ, अच्छा तो बहुत लगता है, नो डाउट। लेकिन जब बाहर जाकर काम करना, जैसे हम लोग स्टूडियो में शूट कर रहे होते हैं तब इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे कहीं आउटडोर शूट हो, कुछ हो, तब मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अदरवाइज मुझे मॉनसून बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता थोड़ा है। ट्रैफिक और किचपिच जो हो जाती है उससे लगता होगा ना कि नहीं? खैर, अब सच बताऊं, मैं कुछ और भी कंट्रीज घूमी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बारिश की जहां तक बात है, इट हैपेंस एवरीवेयर। तो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि बंबई में होता है ऐसा, कानपुर में होता है या इंडिया में होता है। मैं और भी जगहों पर गई हूँ तो मतलब हाँ, हर जगह की स्थिति यही हो जाती है बारिश में। सो वी कैन नॉट जस्ट कंप्लेन अबाउट आवर ओन कंट्री। नो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि कंप्लेन अदर ऐसा हो जाता है ना कि बारिश हो रही है, कैसे जाए? ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं निकलेगा। बॉम्बे तो ऑलरेडी इतनी बिजी सिटी है कि जिसे कहा नहीं जा सकता। हर जगह। ओके, चलिए हम बात करना शुरू कर चुके हैं। नयानी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि आप ये बताइए कि इतना खूबसूरत नाम और उसके साथ ही इतनी खूबसूरत आप, इस खूबसूरती के पीछे का राज क्या है? क्योंकि विदाउट मेकअप हम वीडियोस, मींस आई एम आल्सो अ फैन, मैं ये कहना चाहूंगी कि वीडियोज में देखती हूँ, और जो बिंदास तरीके से आप कानपुर को प्रेजेंट करती हैं कि हाँ हम कानपुर से हैं, वो अंदाज अब सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी एक बार, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, कानपुर से हैं। ज्यादा लबड़ाती करोगे ना, यही पधेल पधेल के मारेंगे कुसमा से लेकर मॉल रोड तक। देखिए, आप मारिए तो नहीं, प्यार से हम बात करेंगे ताकि दर्शक भी ना डरे। नयानी जी, देखो ये आपका जो स्टाइल है वो हर किसी को पसंद आता है, और ये साफ तौर पर दिखता भी है क्योंकि लोगों को ये जो कानपुर एक्सेंट है, क्या बॉम्बे में भी ये एक्सेंट इतना ही पॉपुलर, इतना ही लोगों को मजा आता है और लोग ऐसे ही आपसे, जैसे मैंने अभी डिमांड कर दी, करते हैं? यस यस, यहाँ पर अभी हम, जैसे मैं कहीं शूट पर जाती हूँ या कुछ है तो एक्चुअली ऐसा है कि लोगों को ये तो पता ही था कि मैं कानपुर से हूँ, हमेशा ही पता था। तो टेक्निकली तो कानपुर ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द ग्लोब किसी को मालूम ना हो। जो भी एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं या इंडिया की जितनी सिटीज हैं उनमें तो लोगों को पता ही है कि कानपुर कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये तो लोगों को पता ही था। लेकिन जब वन फाइन डे मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया और रातों रात वो मतलब मिलियंस में और वायरल हो गया, तो लोग कहने लगे कि ये मतलब कानपुर में ऐसे ही बात करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, कानपुर में सब लोग ऐसे ही बात नहीं करते रहते, लेकिन जो खड़ी बोली अवधि है कानपुर की, कानपुर इज नॉट प्योरली अवधि, नॉट जस्ट खड़ी बोली। जो कानपुर की खड़ी बोली अवधे है उसका एक अपने तरह की लहर है, और वो लहर इसलिए फनी और अम्यूजिंग या मजेदार लगती है क्योंकि बेसिक नेचर जो है कानपुर के लोगों का, मतलब ये तो अब प्रूवन है, लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे खुश मिजाज लोगों का शहर है ये, तो एक वो जो उसकी लहर है वो उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। कई बार लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि एक कानपुर की जो अपनी खड़ी बोली अवधि की लहर है उससे वो काफी बार लोग भोजपुरी से कंफ्यूज होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कानपुर का एक तरीका ही पूरा अलग है। अगर आप लिटरेचर भी देखें, लाइक प्रताप नारायण मिश्र को देखें, गणेश शंकर विद्यार्थी को देखें, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो की जो राइटिंग है खड़ी बोली की, तो इसलिए वो इतना चुटीला लगता है क्योंकि बड़े बड़े राइटर्स यहाँ से निकले हैं, उन्होंने एक नया स्टाइल दिया है लिटरेचर को,
प्रेमचंद ने इतने सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कानपुर में मम्मियां घर घर में यूं ही हम लोग को जब डांटा जाता है तो बोल देती हैं। इसलिए ये जो लहर है ये इतनी इतनी ब्यूटीफुल है। और खास बात कानपुर की है कि वो लोग चिकाई सबके साथ करते हैं। बहुत अच्छी बात शहर की ये है कि किसी के मन में मतलब परसेंटेज इस चीज का बहुत हाई है कि यूजुअली लोगों के मन में आपको इंसल्ट करने का भाव नहीं होता है। मजे वो ले सकते हैं लेकिन वो आपको इंसल्ट करने का उनका भाव नहीं है, इसीलिए ये चीज और ब्यूटीफुल हो जाती है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से ऐसे ही मजे लेकर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ये और ये चीज आप कितना ज्यादा कानपुर को पसंद करती है ये झलक रहा है कि नैनी जी से कि जिस तरह से आप बात बोल रही है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कहीं धीरे धीरे कि पढ़ने का बहुत शौक है, क्यों जी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना, कौन सी, किस तरह की बुक्स पढ़ने का ऐसा मन होता है कि हाँ रीडिंग करना है तो इस तरह की ज्यादा कंटेंट पढ़ना पसंद है? मैंने अपनी पढ़ाई कानपुर से ही की है सारी। मैं ग्रेजुएशन भी, अपना इंटरमीडिएट भी, डांस की शिक्षा भी, मैंने सब कुछ कानपुर से किया। और क्योंकि कानपुर और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, चाहे आप कन्नौज की नौटंकी ले लें, चाहे प्रेमचंद जैसे राइटर ले लें, चाहे निराला जैसे राइटर ले लें, चाहे महादेवी वर्मा ले लें, तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि ह्यूज विरासत है लिटरेचर की उत्तर प्रदेश के पास। जैसे लखनऊ में रिसेंटली मतलब अब तो वो नहीं है राइटर, उनका नाम था कामतानाथ, और उनको नए जमाने का प्रेमचंद कहा जाता था। मैं ऐसे लोगों के बीच में पली बढ़ी हूँ कि ऐसे लोगों ने मुझे गोद में खिलाया है। तो शुरुआत से क्योंकि मेरे फादर लिटरेचर के शौकीन थे, वो हमेशा थिएटर करते रहे, आज भी जब उन्हें चांस मिलता है तो वो थिएटर करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं जाके, तो मुझे पढ़ाई का शौक तो बचपन से घर से ही हो गया। क्योंकि 12वीं तक मैंने लिटरेचर का मतलब प्रेमचंद का सारा लिटरेचर पढ़ लिया था। अच्छा। और जब मैंने उसको री रिपीट किया, मतलब जैसे बार बार होता है ना, एक वक्त के बाद जब रिपीट करते हैं कोई किताब तो आप ग्रेजुअली उसे और समझ पाते हैं, तो उसके चलते मेरा शौक बढ़ता गया। फिर मेरा सब्जेक्ट ही हिंदी लिटरेचर था ग्रेजुएशन में, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था उस साल लिटरेचर में, और ये बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरे लिए, मैं अपने आप के लिए इसे अचीवमेंट मानती हूँ कि लिटरेचर में आप अगर टॉप कर रहे हैं तो ये बड़ी बात मानती हूँ, क्योंकि लिटरेचर की कोई सीमा नहीं होती, राइटिंग की, पढ़ाई की कोई सीमा ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरे फेवरेट राइटर हैं, अगर मैं पुराने से नए की तरफ आऊं तो प्रेमचंद मेरे मतलब ऑल टाइम फेवरेट हैं, और आई रियली लाइक महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र मुझे बहुत पसंद है। नए नए एज की अगर बात करें तो इस वक्त गीत चतुर्वेदी हैं एक भोपाल के, जो शैल चतुर्वेदी के सुपुत्र हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। अदनान कफील दरवेश मुझे पसंद है, और इंग्लिश में मुझे मारियो पूजो बहुत पसंद है जिन्होंने गॉडफादर लिखी है। okay. तो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? पर्सनली तो मुझे पुराना लिटरेचर पसंद है जो किसी एक परिवेश को आपको आपका परिचय हो किसी जगह से, किसी स्टेट से, किसी शहर से, तो वो पुराना लिटरेचर ही कर सकता है। बिल्कुल। और अदरवाइज मुझे थ्रिलर पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो ऐसे ही थ्रिलर एक्टिंग में भी उतना ही पसंद है, क्योंकि हम जरा सा जानना चाहते हैं कि कानपुर से एक लड़की निकल कर आती है और बॉलीवुड तक का जो सफ़र तय करती है, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया, स्पेशल 26 जैसी फिल्में की, क्वीन जैसी फिल्मों में आप नज़र आई, और शादी में ज़रूर ज़रूर आना, तो मतलब बिंदास लुक जो आपका था वो तो हर किसी ने पसंद किया। एक वो जो जर्नी आपने तय की है, वो जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, कितनी डिफिकल्ट थी या कितनी इजी थी, कैसे मतलब मैनेज कैसे हुआ, कैसा रहा वो सफर? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूंगी कि इस तरह की जर्नी कि आप जब कोई ऐसा ड्रीम देखते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, कोई भी हो, तो वो जर्नीज हमेशा डिफिकल्ट होते हैं। इजी एक्सेस तो किसी चीज का होता ही नहीं, क्योंकि आजकल के समय में जो कॉम्पिटिशन है, आप उसमें अगर चाहें भी इजी एक्सेस तो वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। तो बॉम्बे तक की जर्नी जो कानपुर से रही एक्टिंग की, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही। मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए मॉडेस्ट नहीं बनूंगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रास्ता मिल जाता है। जैसे कि जब मैं दिल्ली में AIR FM के लिए रेडियो प्लेस पढ़ा करती थी, तो उसी समय FTII का फॉर्म निकला था, और मेरे फादर ने कहा कि
एफटीआई का फॉर्म आ गया है, आप जाएं वहां, मतलब आप एडमिशन लो, पढ़ाई करो, आपको जो भी फील्ड में जाना है। तो मैंने एक्टिंग के लिए फॉर्म भरा था और फिर मैं 2005 में एफटीआई चली गई थी। तो वो जर्नी ऐसे ही हुई कि मैं दिल्ली से फिर एफटीआई चली गई, 2 साल मैंने वहां एक्टिंग की पढ़ाई की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा सिनेमा आर्ट्स एंड एक्टिंग में किया। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आ गई। अब रही बात बॉम्बे की, तो देखिए स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है, और इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ लोग कहें, शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन इस फील्ड में डेस्टिनी सबसे ज्यादा काम आती है। अच्छा, योर डेस्टिनी वर्क्स वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग रोल्स देन एनीथिंग एल्स। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि नैनी जी, आपने कहा डेस्टिनी बहुत ज्यादा मायने रखती है, किस बेसिस पे? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि आप अच्छा रोल प्ले करें तो आपको रोल्स मिल जाते हैं, या आपकी कड़ी मेहनत रंग लाती है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स अगर आप यूजुअली सुनने को मिलता है। लेकिन आप कह रही है कि डेस्टिनी भी बहुत मैटर करती है, तो आपकी लाइफ में डेस्टिनी ने कैसे रोल प्ले किया, एंड हाउ लाइक यू बिकम लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टर, वो क्या था? बिल्कुल, मतलब देखिए मैं सच कहूं तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं वेयर आई हैव बीन सिलेक्टेड कि मुझे कल शूट कर जाना है और मुझे पता नहीं कि मैं रिप्लेस हो गई, किसी और को रख लिया गया है। तो ये आपकी डेस्टिनी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सब कर लिया है, आपको पता है कि आप कब काम करने जा रहे हैं, एंड सडनली आपको ये भी नहीं पता रीजन कि आप क्यों नहीं है उसमें। और दूसरी बात डेस्टिनी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि एक्टिंग के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग बंबई आते, चाहे वो ट्रेनिंग करके आ रहे हो चाहे वो बिना ट्रेनिंग के आ रहे हो। तो एक्टिंग मतलब कोई ऐसी चीज लोगों को नहीं लगती कि जैसे लोगों को डॉक्टर बनना होता है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, या लॉयर बनना होता है तो LLB वगैरह करते हैं। एक्टिंग के लिए ऐसी कोई एजुकेशन को लोगों को लगता है ये उतना मायने नहीं रखती। तो जो लोग ट्रेनिंग करके आ रहे हैं वो भी बंबई आते हैं, जो ट्रेनिंग करके नहीं आ रहे हैं वो भी बंबई आते हैं, है ना। इनफैक्ट जबकि अगर आप म्यूजिक लें, डांस लें, ऐसी चीजें लें कि अगर आप क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं या क्लासिकल डांस, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो लोग सीख कर आते हैं। एक्टिंग में ऐसा कोई मतलब इस चीज को लोग पुश नहीं करते कि आप ट्रेनिंग के लिए जाइए या पढ़ाई कीजिए, तो कोई भी आ सकता है। तो इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। और डेस्टिनी से मेरा मतलब ये है कि आपको रोल डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे और मिलने भी चाहिए जो लोग टैलेंटेड हैं, बिल्कुल। लेकिन आप रोल तो तभी करेंगे ना जब आपकी डेस्टिनी आपको वो रोल पहुंचाएगी। सो तो इन टोटल आई मीन टू से दैट कि एग्जैक्टली 2+2=4 नहीं है यहाँ पर, साइंस के फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कब कौन क्या कैसे वैसे हिसाब चलता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि डेस्टिनी बहुत 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 मायने रखती है। तो आपकी लाइफ में वो 2+2=4 कैसे हुआ, कैसे डेस्टिनी ने वर्क किया, हाउ डू यू गॉट द लाइक फर्स्ट रोल ऑफ योर करियर जहाँ पे आपको वो ब्रेक मिला एंड यू जस्ट फाउंड कि हाँ अब तो भैया निकल गई अपनी रेलगाड़ी, अब बॉम्बे की पटरी पर जाकर आगे ही बढ़ने वाली है, पीछे नहीं मुड़ेगी। मैंने ऑडिशन दिया था और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये रोल है और काफी सारे लोग आए थे उसमें, काफी सारे, लाइक आई सेड कि उसमें ट्रेन्ड एक्टर्स भी थे, जो लोग ट्रेन नहीं है वो लोग भी ऑडिशन देने आए थे, और मैं बात कर रही हूँ स्पेशल 26 की। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत 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 सारे, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती क्योंकि उसमें उनको 26 लोगों का एक सेटअप बनाना था ना, उसके चलते। तो मैं भी ऑडिशन के लिए गई थी और बस फिर somehow उनको मेरा ये, उन्होंने मुझे यही ऑडिशन का पीस दिया था, मिलकर उखाड़ेंगे ना सर, जो लाइन है मेरी, तो सबको उन्होंने यही दिया था। तो फिर बस उन्होंने कहा आप इसको तरह तरह से 3-4 बार जरा बोल के बता दीजिए, डिफरेंट, जैसे गुस्से में है थोड़ा सा आप, क्योंकि कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं वैसे, तो 3-4 तरह से उन्होंने कहा और हम सब लोगों से उन्होंने यही कहा था। इनफैक्ट 100-200 लोग होंगे, बिलीव मी। और फिर उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया कि हाँ ये वाले रोल के लिए आप आ जाओ। तो पहले तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ओ गॉड, ये तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ का रोल है, मैं तो पूरी मतलब फिल्म में कहीं मेरी एज सच प्रेजेंस ही नहीं है। बट देन डेस्टिनी जस्ट वर्क्ड एंड दे सेड नहीं, नैनी ने जो बोला है मैं उससे फिल्म की ओपनिंग करना चाहता हूँ, डायरेक्टर ने कहा।
एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री की फिर तो मतलब एक डायलॉग अलग तरह का क्या कलाम बन गया कि सब यही कह रहे हैं मिलकर उखाड़ेंगे। लेकिन जब आपने पहली बार मतलब ये क्या हमेशा से था कि एक्टिंग के ही करियर में जाना है या कुछ और बनना था और यहाँ पे भी जस्ट वर्क लाइक कि डेस्टिनी ने काम कर दिया और आई वेंट टू द बॉम्बे ऐसा कुछ नहीं, हुआ? नहीं, मैं बहुत छोटी थी, 6 साल की, मैं तब से थिएटर कर रही थी फादर के साथ। तब तो आपको नहीं पता होता है ना कि ये इसको एक्टिंग करना कहते हैं, क्योंकि तब तो आप बच्चे होते हैं। तो वहां पर मुझे अच्छा, सच बताऊं मैं, मुझे अच्छा ये लग रहा था कि मैं मतलब सब मेरे लिए ताली बजा रहे थे और बच्चों को तो यही लगता है ना कि वाओ सब आपकी डांस की तारीफ कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे इससे तो लाइनें बहुत जल्दी है, तो बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है ना। तो उससे ये कहिए कि समझ लीजिए मेरे उस बचपन को प्रोत्साहन मिल गया और फिर मैं धीरे धीरे somehow किसी किसी में वो होता है कि ईश्वर कोई आर्ट दे के भेजता है, तो धीरे धीरे एक्टिंग ऐसी चीज थी कि जो मुझे समझ में आने लगा कि ये करने में मजा आता है और लोग ताली बजाते हैं। बचपन में तो यही लगता है ना, तो काफी वक्त तक मैं इसके चलते उस चीज के प्रति, एक्टिंग के प्रति आसक्त रही। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने लिटरेचर वगैरह सब्जेक्ट ले लिया और डांस वांस सीखना शुरू किया तो मैंने एक दिन माधुरी दीक्षित को स्टेज पे टीवी में गाना आ रहा था करते देखा, तो मैं बहुत कॉपी करती थी माधुरी के स्टेप्स, तो मेरी मम्मी ने एक दिन कहा कि वो डांस सीख कर आई, ऐसा नहीं टीवी देख देख के नाचने लगती है, तो मुझे बहुत दिल पे लग गई ये बात, मैंने कहा मैं डांस सीखूंगी, तो मैंने डांस सीखा। तो करते करते somehow मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ मुझे एक्टिंग करके अच्छा लगेगा, आर्ट से रिलेटेड चीज से अच्छा लगेगा। बट मुझे ये भी पता कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि या तो मैं साइकाइट्रिस्ट होती, मतलब काउंसलर होती, नहीं तो फिर मैं यूपीएससी किया होता, मैं सिविल सर्विस। ये एक्टिंग से हटके काउंसलर होती, यूपीएससी किया होता, ये बड़ा वो था कि ये कैसे आया कि अगर एक्टिंग नहीं होती तो काउंसलर होती या यूपीएससी करती, तो मतलब पढ़ाई की तरफ भी काफी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। जी, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था हमेशा से, मतलब स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक हिंदी लिटरेचर और साइकोलॉजी मेरे मेजर सब्जेक्ट थे और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत अच्छी थी। मेरे टीचर्स अभी तक मतलब बहुत पुश करते थे दैट यू मस्ट कैरी फॉरवर्ड दिस सब्जेक्ट, इवन इफ यू वांट टू डू यूपीएससी आप हिंदी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की लो, वो मुझे काफी पुश करते थे इसके लिए। और मेरे पीपीएन कॉलेज में मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी लूंगी तो मैं बड़ी अच्छी काउंसलर बनूंगी, क्योंकि बोलते थे ऑरेटर तो तुम अच्छी हो ही, बात तो कर ही लेती हो। और साइकोलॉजी में मतलब जैसे कहें कि जैसे हिंदी में हमेशा अच्छा रहा मेरा पढ़ाई का मामला, तो वो साइकोलॉजी में भी रहा, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता था तुम और इंटरेस्ट। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बिलीव मी जो आज मुझे एक्टिंग में किस लेवल पे काम आ रहा है, किस लेवल पे हिंदी लिटरेचर ने और साइकोलॉजी ने चीजों को कैरेक्टराइज करने की या कहां कैसे बोला जाता है उन चीजों को समझने की जो मदद की है, वो मतलब बहुत अच्छा किया कि मैंने इन सब्जेक्ट्स को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड किया था। अब रही यूपीएससी की बात, तो देखिए फिर वही बात है कि शुरू में सबको वो नीली और लाल बत्ती ग्लैमर लगता है, बिल्कुल ग्लैमर लगता है ना कि आप अगर आज आप देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि ओ गॉड इसके पीछे मेहनत कितनी है, बिल्कुल आपके लिए वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और आपको लगता है दिस इज सो ग्लैमरस। तो बचपन में ऐसा लगा, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि एक तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी और दूसरा ऐसा था कि मुझे मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द लीग हो। हाउ वुड यू आई मीन टू से हाउ वुड यू क्रिएट और रेज अ बार अनलेस यू आर नॉट आउट ऑफ द लीग, अनलेस यू आर नॉट प्रेजेंटिंग समथिंग विच हैज मेटल इनसाइड। तो इसलिए भी मुझे प्रशासनिक सेवाएं, क्योंकि एक तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज है, पूरे जिले को संभालना या आप जिस पोस्ट को होल्ड करते हैं उसे संभालना, बिल्कुल उसमें ईमानदारी रखना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल चीज है।
मैं जो किरदार है आपका उसको मैं बनाए रखना चाहती हूँ कि वो किरदार भी हमें थोड़ा थोड़ा झलकता रहे, हमारे दर्शकों को झलकता रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार जो है लोग उसी किरदार के, आपके कानपुर के जो स्टाइल है, जो द वे यू से कि हम कानपुर से हैं, और वो जो एक स्टाइल झलकता है उसको देखने में मतलब वाकई लोगों को खूब मजा आती है। तो ये कहाँ से थॉट आया, और उसी अंदाज में मैं जानना चाहूंगी कि ये थॉट कैसे आया कि मुझे ये स्टार्ट करना, मतलब एक्टिंग तो मैं कर रही हूँ बट इंस्टाग्राम पे आपका जितना एक्टिव आप है और जो मैं लगातार आपके रील्स देखती हूँ, जिस तरह से आप पोर्ट्रे करती है चीजों को, मतलब वो कैसे आता है और कैसे वो थॉट्स आते हैं कि आज चलो इस पे आज करते हैं ये चीज? ये थॉट्स के लिए मैं कभी भी बैठ के डिजाइन नहीं करती, बिलीव मी, जैसे लोग बहुत स्क्रिप्टिंग करते हैं ऐसा मैं नहीं करती। ओके, अगर आ गया तो तुरंत बना दिया, क्योंकि मेरे संग ऐसा, मैं मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं कैमरा सेटअप करूँ, वो सब जब मुझे डांस वांस की वीडियो बनाने होते हैं तभी करना होता है। और ये थॉट ऐसे आया कि बहुत बहुत पहले, करीब अभी 2-2.5 साल हो रहे होंगे, एक ट्रेंड शुरू हुआ था जिसमें कि कुछ लोग कहते थे कि या वी आर फ्रॉम लाहौर और हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, कहीं कहीं पर लोग कहते थे या वी आर फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड इट इज वेरी हॉट। तो वो एक ट्रेंड आया था इंस्टाग्राम पे, तो ये ट्रेंड आया तो मुझे लगा यार ये अपनी अपनी जगह के लोग बात करते हैं। और एक दिन मैं टीवी देख रही थी और सडनली, क्योंकि लोग तो मुझे ये तो कहते रहते हैं कि ये कानपुर से हैं, इनसे मिलो, ये कानपुर से, ये हमेशा चलता था, शुरू से चलता था, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं कानपुर से हूँ, और शादी में जरूर आना के बाद से तो क्योंकि उसमें तो किरदार ही कानपुर वाला था। तो फिर मैं टीवी देख रही थी और मेरे हाथ में सिर्फ मेरा फोन था, और मैंने रैंडमली कह दिया कि हाँ हम कानपुर से हैं और हमारे यहाँ मतलब समथिंग कि और हमारे यहाँ रबर बैंड नहीं गेटेस होती है। और करते करते जो 2-4 चीजें मेरे दिमाग में आई कि हाँ हम कानपुर से और हमारे यहाँ पर बच्चों को मारने से पहले इजाजत ली जाती है, बताए अभी ऐसा कह के, वो अलग बात है कि बच्चा फिर कुछ कहने लायक बचता नहीं। दिस सडनली बिकेम अ ट्रेंड। और आप क्योंकि उस शहर से होते हैं, आपके माँ बाप भी वहां से हैं, आपकी बहन वहां से, तो आप घर की बातचीत तो कानपुर की तरह से ही करते हैं ना। बिल्कुल, क्या हम कानपुर से हैं, हमारे यहाँ बच्चा रोता नहीं भिभियाता है। तो वो तो जस्ट मेरे दिमाग में आया और सडनली लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर सबने कहा प्लीज इस पे और बनाइए, और ये भी कहा कि बिकॉज यू आर एन एक्टर सो यू प्रेजेंट कानपुर द वे इट इज। दे सेड बिकॉज दे आर आर मेनी पीपल, बट वो बोले कि आपने जब बनाया तो ऐसा लगा कि हाँ ये कोई कानपुर का व्यक्ति है जिसके घर में ऐसे बात होती है। और दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन योर वीडियोस कि यू प्रेजेंट कानपुर इन दैट वे कि जिसे देखने में हमें अच्छा लगता है कि हाँ भैया हम कानपुर से हैं और रबड़ को गेटिस ही कहते हैं यहाँ पे। तो हम वही बोलते हैं। मैंने नोटिस किया देयर वर मेनी टाइम्स के हाँ, तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो मुझे पर्सनली कपिल कनपुरिया और वो बहुत पसंद है, अनु अंकल को तो मैं पहले से जानती हूँ, और एक और जैसे कि कानपुर की कुछ खाने पीने की चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो मुझे देख के अच्छा लगता है कि वो बताते हैं यहाँ खाने का ये नया आया है वो आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कपिल कनपुरिया तो मेरे फेवरेट हैं, वो अलग है, उसमें बड़ा मजा आता है कुछ और। तो क्या होता है कि जब आप ऐसी रील्स देखते हैं तो वैसी और रील्स आपके सामने आ जाती हैं। बिल्कुल, मैंने एक चीज नोटिस की कि जो जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं कानपुर का, वो कभी कभी होता है ना कि कोई एक लैंग्वेज बोलने का एक लहर होती है, वो फ्लो हर स्टेट की एक लहर होती है, बट वो उनके मेकिंग में थोड़ी मतलब थोड़ी जरूरत से ज्यादा थी। okay. इतना भी नहीं, मतलब कानपुर में मतलब वो आप लहर बनाते नहीं है, वो तो बनी हुई है यार, क्योंकि वहां के हैं तो वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल, तो वो आप बनाते नहीं है, वो आपके डीएनए में है। तो मुझे काफी लोगों ने कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स के डीएम किए रील्स कि देखिए ये ऐसा लग रहा है कि इसको जरूरत से ज्यादा बना दिया गया है। अच्छा। तो मैम प्लीज आप ऐसे और बनाइए क्योंकि आपका बना हुआ नहीं है। घर में तो सब हम लोग पता, हम सब कानपुर के लोग हैं तो ऐसी बात करेंगे ना।
तो मैंने कहा ठीक है, तो उससे मुझे थोड़ा जोश मिल गया और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो। लेकिन लेकिन नैनी जी कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि भैया बॉलीवुड की मैं एक्ट्रेस हूँ और मैं कैसे ऐसे कानपुर के स्टाइल में ऐसे बात कर सकती हूँ, यूपी वाला मैं बन जाऊंगी, ऐसा कभी वो नहीं आया कि आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, आई वांट टू बी लाइक दैट, ऐसा वाला नहीं आया कभी? स्टीरियोटाइप नहीं नहीं नहीं, रूट्स आपके जैसे हैं, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं वो स्टीरियोटाइप होना नहीं होता। स्टीरियोटाइप वो कैरेक्टर तब हो जाता है, लाइक आई जस्ट सेड, कि आप उसे ओवरडू कर दें या उसे कैरिकेचर बना दें। इन मैनी टीवी शोज, इन मैनी फिल्म कह लो, या मतलब जो भी आप देखते हैं एंटरटेनमेंट की चीजें, काफी बार मैंने देखा है कि लोग उसे कैरिकेचर बना देते हैं, तब वो स्टीरियोटाइप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहीं का है और वो वैसे ही बोल रहा है तो मुझे मुझे कभी नहीं लगा, मुझे बिलीव नहीं। और अब आप सोचिए, शादी में जरूर आना तो मुझे मिली इसलिए कि उन्होंने कहा अरे ये तो कानपुर की है, उसके बहुत सारे ऐसे एडिशनल एडिशनल इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइज डायलॉग से, जैसे मैं एक जगह जब कहती हूँ कि अरे तुम क्या अकल के घूंगा हो क्या, तुमको नाम नहीं पता जीजा जी का, तो ये डायलॉग स्क्रिप्ट में थे नहीं। अच्छा, ये क्योंकि आप ऐसा करते हैं कानपुर में अपने छोटे भाइयों से, इसलिए वो वैसा हो गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी रूट से हैं, अगर आप रूट आउट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। अच्छा, मैं वीडियोस आपके अक्सर देखती हूँ और मैं ये भी सबसे ज्यादा देखती हूँ कि मतलब देयर इज नो मेकअप, नो स्टाइलिंग, नो फिल्टर्स, एंड यू रैंडम मेक दैट वीडियोस की बस आए और भैया कानपुर के स्टाइल में बोला और चलो भैया हो गया। और हालांकि बहुत ज्यादा लव भी मिलता है, हेट भी मिलता है, और हेट पर जो आप ब्लंट जवाब देती है, मतलब दैट इज लाइक माई फेवरेट थिंग, कि आप एकदम खुल्ला खुल्ला भैया हम तो ऐसे हैं और जो तुम बोल रहे हो तुम क्या वो भी देख लो, तो जो आप बताती है वो भी, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ हर एक चीज, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ब्लंट नेचर हमेशा से था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पेज पर भी लिखा है ना सुनेंगे ना मतलब सुनाएंगे ना सुनेंगे काइंड ऑफ थिंग, और उसके साथ ही ये नो मेकअप वाला कि हम रैंडम आए एंड आई जस्ट डन द वीडियो और ठीक है बस भैया भेज दी सेंड कर दी, पसंद आ जाएगी लोगों को द वे आए। नो मेकअप का तो देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है, आई लव मेकअप, आप कभी आपका मुझसे मिलना हो, कभी मेरे आना हो, आप देखिए आप कहेंगी ओ माय गॉड, मतलब आप अगर सेकंड हैंड दुकान लगाओ तो शायद आपका मेकअप बिक जाएगा काफी अच्छी कीमत पे। मेकअप ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मुझे मजा भी बहुत आता है, जब भी मैं वो ड्रेसअप वाले डांस वांस का कुछ शूट करती हूँ तो अच्छी तरह रेडी होती हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकअप है या नहीं है, मुझे मेरे कॉन्फिडेंस में उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं उन लोगों को भी, मतलब जो लोग जिन्हें मेकअप करना पसंद, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भाई मैं एक महिला हूँ, मुझे सजना धजना पसंद होगा, हमारा श्रृंगार है। हाँ, मतलब किसी अब यार हमसे इतना सामान बिक रहा है इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का, बिल्कुल, तो क्यों नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की अति आपको गड़बड़ कर देती है, कोई चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है या अच्छा बनाती है, वो बहुत उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें हील पहन करके कॉन्फिडेंस आता है वो हील पहनते हैं, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, मेरा इतना शौक भी नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको अपनी बैसाखी मत बना लीजिए। ओके, हाँ, अगर आपको लगता है कि अच्छा इस चीज में मेकअप की इतने की जरूरत है, हाँ चलो हम कर लेते हैं। लेकिन जहां लोग आपका कंटेंट, आपकी बोली और कानपुर के रिलेशन में देख रहे हैं, उसमें वो आपके आई शेडो को थोड़ी देख रहे हैं। हो सकता है वो आई शेडो तब देख रहे हो जब मैं, जैसे मैं काफी सारे ड्रेसअप के फैशन के वीडियोज भी डालती हूँ, अभी कुछ दिन पहले डाला, एंड आई एम ऑल डेक्ड अप। तो जहां जितनी जिस चीज की जरूरत है उतना ही बेहतर है। इनफैक्ट मैं ग्रीडी नहीं हूं, मैं ग्रीडी सिर्फ प्रसिद्धि की हूँ, मैं ग्रीडी सिर्फ कॉन्फिडेंस की हूँ, मैं ग्रीडी किताबों की हूँ, और मैं ग्रीडी शांति की हूँ। मैं आई एम नॉट ग्रीडी फॉर फूड, आई एम नॉट ग्रीडी फॉर ज्वेलरीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने की जरूरत है उतने में मेरा काम चल जाता है। okay. कभी आप अपने चेहरे को बिना किसी बैसाखी के भी तो देखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल,
मतलब वो आपके लिए एकदम ये ना बन जाए कि हाँ मुझे मेकअप पुट ऑन करना है टू बी प्रेजेंटेबल और मुझे किसी सामने मेरा जीवन नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज़ नहीं, वो मेरा विश्वास है। लेकिन बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट्स हैं जो इतना सुंदर मेकअप करते हैं, अब उनके लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका कंटेंट वो है। हाँ, उनसे मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ। बिल्कुल, फिर भी मैं ये कहूंगी कि आम जिंदगी में कोई भी आउटर चीज आपकी बैसाखी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनर ब्यूटी आपकी सबसे ज्यादा एनहांस होती है और उसे ही एनहांस करना चाहिए। जैसे आप करती रहती है अपने वीडियोस के थ्रू, आप दिखाती है लोगों की द वे आई एम एंड द वे यू आर आई लाइक द मोस्ट। इसके अलावा इतने एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया है, राजकुमार राव के साथ किया, अक्षय कुमार के साथ किया हुआ है, कंगना के साथ किया हुआ है, जो खुद में एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर और ब्लंटली वो भी हर चीज़ों को बोल देती है, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ भी हो, नेपोटिज्म पे हो या कोई भी मुद्दा हो, वो अपनी राय रखती ज़रूर है कुछ उनका। वैसे क्या लगता है इन लोगों के साथ काम करके क्या डिफरेंसेस कभी फेस किए, लगता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है या हाँ जेन्युइनली वो ऐसे ही रहे हैं? देखिए, राजकुमार राव की जहां तक बात करूं तो हम लोग तो एफटीआई में बैचमेट्स थे, हम सेम क्लास में थे, तो उनको तो मैं बहुत पहले से जानती थी, तो तब वहां पर मतलब ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम अलग से भी, जो हमारा एफटीआई का ग्रुप है, हम लोग कभी कभी मिलते हैं, तो वो तो मामला अलग है। लेकिन जब मैंने क्वीन की थी तो कंगना वॉज ऑलवेज रेडी फॉर रिहर्सल्स, वो बिल्कुल इनसिक्योर एक्टर नहीं थी। मैंने उनके उसके बाद उनके साथ कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने जितना काम किया है वो बिल्कुल इनसिक्योर एक्टर है, ये मैं कहूँ, क्योंकि वो खुद मुझे बोलती थी कि अरे आप ऐसे खड़े हो जाओ तो फिर आपका क्लोज आएगा ना, तो फिर उनको आपका शॉट अलग से लगाना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप अपना मुंह ही नहीं दिखाओगे तो फिर आपका क्लोज कैसे लगेगा? तो ये कितनी अच्छी बात है, मतलब वो हेल्पफुल रही है। फीमेल एक्ट्रेस इज नॉट इनसिक्योर विद सम अदर एक्ट्रेस, है ना, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। और अक्षय कुमार के साथ मैंने काम किया था स्पेशल 26, तो तब तो मैं बहुत नई थी, तो यार वो मतलब जो उनके लिए ये बात फेमस है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो मैंने एकदम चरितार्थ आंखों से वहां देख लिया। अच्छा। हाँ, ही इज वेरी सिंसियर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कोई किसी चीज पर रिग्रेट होता है कि मैंने बॉलीवुड में आके ये चीज क्यों करी? लाइक अगर कभी भी किसी चीज को लेकर रिग्रेट हुआ है कि मैंने ये चीज क्यों करी? अगर रिग्रेट करेंगे तो फिर आपके लिए वो चीज लेसन लर्न कैसे होगी? ओके, है ना, क्योंकि रिग्रेट तो फिर देखिए रिग्रेट करना चाहिए अगर आप किसी से कुछ अभद्र बोल दें तो, रिग्रेट करना चाहिए अगर आप किसी की बिना बात के इंसल्ट कर दें तो, और किसी चीज से रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आपका किसी चीज से जान माल पे लेसन ही सीखा हो, नया नहीं जीने की कोई चीज ऐसी आ गई हो, चलिए आपने लेसन ही ले लिया हो कि हाँ दिस इज द लेसन फॉर मी और मैं आगे कन्वे करना चाहती हूँ, जो भी कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है या कोई भी आपको जो लोग देख रहे होंगे, इंस्पिरेशन है आप और आपको जो लोग देख रहे होंगे, कानपुर की जो लड़कियां जो एक्टिंग के करियर में जाना चाहती होंगी, वो क्या सीख ले, मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे मेन की अगर इस करियर में आना है तो व्हाट यू वांट टू गिव द एडवाइस? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पढ़ाई अधूरी छोड़ के बिल्कुल मत आइए। पढ़ाई बहुत बड़ा, मतलब बिलीव मी, आपके हाथ में जो डिग्री होती है, जो आपकी पढ़ाई होती है, वो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होती है, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए। बिल्कुल, पढ़ाई कभी भी अधूरी मत छोड़िए। हाँ, काफी लोग कहते हैं हमारा पढ़ने में इतना मन नहीं लगता हमारा इस चीज में, अरे तो जिस चीज हम, अब अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें तो उनका पढ़ने में मन नहीं था लेकिन उनका क्रिकेट में मन था, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वी नो हु ही इज अक्रॉस द ग्लोब, बच्चा बच्चा जानता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पहले तो आप अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि प्लीज आप एफटीआई जाइए, एनएसडी जाइए, कहीं भी जाइए, मतलब थोड़ी पढ़ाई करके आइए इस चीज की। उससे आपको एक्टिंग में तो फायदा होगा, आप कैरेक्टर जल्दी समझेंगे, आप याद जल्दी करेंगे चीजें, तो मतलब आपका तो समय बचेगा ही बचेगा, लेकिन आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर जब तक मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं तो मैं और क्या कर सकता हूं। बिल्कुल, इन माय केस मुझे एक्टिंग करना जितना पसंद है, पढ़ाना उतना ही पसंद है। ओके, आई हैव टॉट सो मेनी पीपल, आई हैव टॉट
मोर देन 800 स्टूडेंट्स इन दिस 15 इयर्स ऑफ बॉम्बे, तो मुझे ये पता था कि मुझे एक्टिंग करना जितना पसंद है पढ़ाना भी उतना ही पसंद है. वैसे तो आपके पैसा कमाने के, रोजी रोटी कमाने के रास्ते और अच्छे रास्ते खुल जाते. बिल्कुल, इसलिए मैं कहूंगी पढ़ाई मत छोड़िए. आप शिक्षित ही होंगे तभी तो आगे आप शिक्षित करेंगे, चाहे अपने लोगों को या अपने अराउंड सराउंडिंग में आप जिनसे जिनको आप कन्वे करना चाहते हैं कुछ भी अच्छी चीज है. तो अगर आप एजुकेटेड होंगे तभी आप शायद तक वो कर पाएंगे. बातों को एंड करने का मन तो नहीं कर रहा है नैनी जी आपसे, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड है हमारे वहां पे कि जिसपे मैं आपके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी जानना चाहूंगी क्योंकि समय ज्यादा नहीं है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक्टिंग क्या है आपके लिए? इट इज जस्ट एन इमोशन विच यू हैव टू कन्वे एवरी डे इन इन डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट फीलिंग्स. And what do you do in फुर्सत के लम्हे? Like हाँ, फुर्सत के लम्हे तो क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? I read. Oh. या तो मैं कोई अच्छी thriller series देखती हूँ, या मैं अच्छी किताब पढ़ती हूँ. जब कुछ करने को नहीं होता तो सो जाती हूँ. सबसे ज़्यादा खुद की सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी कौन सी है, जो खुद की भी हो और ये लगाओ कि हाँ ये करेक्टर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है? मूवी नहीं है वो, एक टीवी सीरीज है जो की Amazon Prime पर है, सियासत. कौन सी ज्यादा अच्छी मेमोरीज लगती है कि हाँ कानपुर की सबसे खास ये है और बॉम्बे की है? कानपुर की सबसे अच्छी मेमोरी तो ये है कि जिस वक्त मैं कॉलेज और स्कूल में थी, क्योंकि आप तब बहुत कैरफ्री होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. और फूड, आई मिस फूड. कानपुर का खाना मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ. अच्छा. और बम्बई की तो सारी, अभी तो मैं बम्बई में रह रही हूँ, कानपुर में आती जाती बहुत रहती हूँ, लेकिन बम्बई की मेमोरी, यहाँ की बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर जिस तरह का अनुशासन है प्रशासन का वो काफी काफी अच्छा है. तो कानपुर का क्या खाना सबसे ज्यादा मिस कर रही है? पानी बताशे. अच्छा. और धनिया आलू. ओहो, धनिया आलू तो कानपुर के फेमस है. मोबाइल एडिक्शन कितना है? नहीं, एडिक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सारा काम हमें तो मोबाइल पे करना होता है, इसलिए मेरे हाथ में मोबाइल होता है. और बाई चांस मेरी किस्मत ऐसी है कि जब मैं फोन हाथ में लेती हूँ तभी कोई ना कोई ट्रोलर मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और मैं तुरंत उसको, मतलब वो उस समय वो जवाब में दे देती हूँ. अच्छा, तो इंस्टेंट ये आता है कि अब तो मतलब इंस्टेंट जवाब देना है, ऐसा हो जाता है? और ये जरूरी होता है कि हाँ जवाब देना है, ऐसा कुछ है कि कभी कभी लगता है इग्नोर? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रोलर्स हैं जहां पर उनको उनकी मानसिक औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है. okay. क्योंकि आपके अगर घर में तिलचट्टे हो जाते हैं, आप एक समय के बाद वहां पर हिट मारते ही मारते आपको फ्लिट करना पड़ेगा. आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फिर क्या रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? अच्छा. वो लोग कैसे सीखेंगे फाइट करने? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है. कहते हैं ना कि अक्सर आप हमेशा सुन कर नहीं रह सकते, कभी सुनाना नहीं, जरूरी नहीं, हो जाता है. एडिक्शन नहीं है मुझे. ओके. और सबसे मतलब व्हाट मेक्स यू इंस्टेंटली हैप्पी कि हाँ ये चीज आ गई सामने अब तो मैं खुश हूँ? अगर मैं बहुत 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 किसी से गुस्सा हूँ, मतलब मुझे ऐसा गुस्सा से मेरा मतलब लड़ाई झगड़ा मेरा नहीं होता, वो उस इंसान को पता चल जाता है अब कुछ नहीं होता. तो अगर मैं किसी से इस लेवल का गुस्सा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत अच्छे फ्लावर्स अगर दे दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और अच्छा खाना. तो कितने फ्लावर्स मिले हैं, या अभी कोई है लाइफ में ऐसा जो फ्लावर्स लेके आता हो? नहीं, कंट्रोवर्शियल बातें मत पूछिए. तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं, लेकिन हाँ लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा, कि कोई है कि जो फ्लावर्स मिल जाते हैं या नहीं? ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मुझे रोज वोज वाला ये फिल्मी ड्रामा नहीं पसंद. okay. मैं बहुत ही, हाँ अगर आपको मैं बताऊं, वो जो शेवंती या ट्यूब रोज होते हैं ना, मुझे वैसे फूल पसंद है. और जब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत दिन से मतलब कुछ फूल नहीं खरीदे, तो मैं खुद जाके खरीद लाती हूँ घर के लिए. मतलब बताएंगे नहीं आपको, कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये चीजें छुपाती नहीं हूँ. जब ये होगा तो मैं डेफिनेटली वो चीज सामने रखूंगी. मुझे इन सब चीजों को छुपाने में बिल्कुल, मतलब चाहिए कि कोई हो जो रोजेस लेके आए, या जो आपको पसंद हो वो फ्लावर्स लेकर आए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहिए. क्या क्वालिटीज चाहिए फिर, ये जरा बता दीजिए ना, लोगों को पता चल जाए नैनी जी की हाँ ये क्वालिटीज चाहिए और लोग एप्लीकेबल है कि नहीं है. बिल्कुल चाहिए. एक तो मैं कानपुर की, ऊपर से मैं महिला, तीसरा मैं वर्गो. वर्गो लड़कियां तो वैसे ही मतलब बिल्कुल इमोशन के मामले में कानपुर के शब्दों में लपूझन्ना होती हैं. तो नहीं, प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए. आदमी को ये भी मगर मिलता नहीं.
तो ऑफ कोर्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, सबके पास होना चाहिए ऐसा इंसान. और क्या क्वालिटी तो, होनी चाहिए? क्वालिटी तो देखिए यही होगी कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बहुत पुरानी चीजें हो गई. क्वालिटी ये होगी कि उसको ये पता होना चाहिए दैट शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी इज ऑल ओवर सोशल मीडिया, तो लोग वो व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सके शांति से. क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं मानती हूँ जो आपकी फील्ड का नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और जो आपकी फील्ड का है अगर वो अगर आप उससे ज्यादा प्रसिद्धि पा जाते हैं तो भी उससे होता है. ये एक नेचुरल फेनोमेना है ह्यूमन माइंड का. तो पहली चीज तो ये, और दूसरा आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माई लाइफ, और मैं अपने लिए अगर अपने जीवन को चलाने का दम रखती हूँ और अपने लिए अपने आप को मैं खड़ा करने का दम रखती हूँ, then that person has to have a vision for life. आपके पास अगर विजन नहीं है, आपके पास अगर ये मादा नहीं है कि मुझे पैसे इसलिए कमाने हैं कि मैं तो खुश रहूं ही रहूं, लेकिन जो बाकी यदि कोई मेरे आसपास नीडी है मैं उसको भी खुश कर सकूं, तो फिर ऐसा इंसान आपके पास अगर नहीं है तो मजा नहीं. बिल्कुल ऐसा इंसान आपको मिले मैं तो आशा करती हूँ. और ऐसी कोई हैबिट यू वांट टू क्विट कि ये हैबिट मैं अपनी लाइफ से अपनी खुद की हटा देती हूँ? देखिए मीठा वीठा ये सब खाना ये सब तो मेरे अंदर हैबिट्स ही नहीं है, बट मैं हाँ अब पता नहीं इसे बुरी आदत कहेंगे या अच्छी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं देर से सोती हूँ रात में और मुझे देर से उठना पसंद है. मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत डिप्रेसिंग लगता है. ओके आई डोंट वांट टू गेट, हाँ मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता है सनराइज तो फिर क्या शूट्स होते कभी अर्ली मॉर्निंग या उठना पड़ता है तो मरता क्या ना करता. वो तो करना जरूरी है. अच्छा एनी गुड वर्ड्स यू वांट टू से अबाउट योर फ्रेंड्स टू योर फ्रेंड्स एंड टू आवर व्यूअर्स, की कुछ अच्छे शब्द जो आप बोलना चाहती है, कुछ बताना चाहती हूँ उन्हें? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर प्लीज अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल रहिए, एंटी सोशल हरकतें मत कीजिए. आप चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर व्यक्ति का सम्मान उसकी उसका अधिकार है. आप अननेसेसरी उसके सोशल मीडिया पे जाकर क्योंकि आप उसके सामने नहीं और आप हाथों से सिर्फ एक कमेंट लिख सकते हैं इसका दुरुपयोग मत कीजिए. ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा और एक समय के बाद वो कहते हैं ना कि ये चीजें वापस आएंगी आपके पास, तो एक समय के बाद यदि ये भगवान न करे अभी कभी आपके पास वापस आई तब आप इससे लड़ नहीं पाएंगे. आप फिर जवाब नहीं दे पाएंगे. बिल्कुल. तो पहली बार तो यार सोशल मीडिया पे आप एंटी सोशल मत होइए. हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. बिल्कुल. हैव द रिस्पेक्ट ऑफ योर फैमिली ऑल्सो. आपकी फैमिली ने आपको इसलिए इतना बड़ा नहीं किया है कि आप ऐसी हरकत. Okay. दूसरा मैं ये कहूँगी कि प्लीज जितना हो सके आगे पढ़िए, जितना हो सके दुनिया घूमिए. मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ. बिल्कुल. आप अगर मिलेंगे लोगों से, किताबें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छी चीजें समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ. दैट्स ऑल आई वांट टू से. एनी रोल मॉडल जिसको आप फॉलो करती है या आपने हमेशा से अपनी लाइफ में कहा हो कि ये मेरा रोल मॉडल है लाइफ का? दिलीप कुमार. ओह. एक्टिंग की रोल मॉडल्स मेरे अलग अलग फील्ड के अलग अलग हैं. अच्छा. एक नहीं है, लेकिन एक्टिंग में अगर किसी को मुझे एक्टर बनाने का मैं ये कहूँ कि यार इसके कारण इस व्यक्ति को देख के मैं एक्टर बनी, इस दिलीप कुमार. दिलीप कुमार ने मुझे बहुत ज्यादा बहुत मतलब उनका असर रहा मुझ पे कि मुझे लगा कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो ऐसा बनना है. और अगर कॉमेडी की आप बात करें तो राजू दादा के अलावा नहीं 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 है कोई और पता नहीं आगे आने वाले कितने समय तक नहीं होगा. और उनकी लास्ट में बाय बाय करने का तो मन नहीं है, लेकिन क्या करें समय बहुत ले लिया मैंने आपका, मुझे पता है यू आर अ बिजी पर्सन. लास्ट में कानपुर के स्टाइल में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा जरा बोल दीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक वाइक कर ले, और हाँ आपकी अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो आगे और शेयर भी कर दे थोड़ा सा कानपुर स्टाइल में. हाँ कानपुर से हैं और तुरंत एकदम लपक के जाओ और सर से GMD News को फॉलो कर लो. नहीं करोगे ना तो दिवाली जमाएं किसी मिले नहीं चले जाएं तुरंत.
जी, और जेएमडी के साथ साथ मंच को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। तो ये थी नयनी दीक्षित, जिन्होंने बारे में आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने अपना कानपुर से एक्टिंग करियर शुरू किया और बॉम्बे तक लेके गई और क्या क्या चीज़ें उन्हें पसंद है। और ऐसे ही और लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तो आप बेफिक्र होकर करना क्या है आपको, मंच के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करिए, कानपुर वासी हैं यार, आप क्या कर रहे हैं, जाइए शेयर करिए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टाटा बाय।